Hey guys, this is Mohit and you are watching your favorite reaction and review channel Vozify Reaction. So guys, this video is for my Kannada viewers only because this movie has come up from Kannada and the movie name is Kantara, and today we are going to make a movie vlog and a review video as well of Kantara movie. And guys, first of all, hats off to his director. मतलब क्या movie बनाई Rishabh Shetty ने, जिस तरह से मतलब मैं लोगों के reviews पढ़ रहा हूँ, अभी तक मैंने ये movie देखी नहीं है, but जो इसका response आया है, मुझे ऐसा लगता है ये masterpiece होने वाली है. And this was not a pan India movie before. पहले ये pan India movie नहीं थी, but इसके response, इसकी story की वजह से, इसके इतने blockbuster hit की वजह से ये pan India बन चुकी है. अब ये हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम हर लैंग्वेज में आ चुकी है. Guys, trust me, मुझे पता लग चुका था भाई कि ये, जिस तरह से इसके रिव्यूज देख रहा था मैं, मुझे पता लग चुका था कि ये मूवी हिंदी में आनी ही आनी है. इसलिए आई वॉज वेटिंग फॉर कंतारा इन हिंदी एंड फाइनली वो आ चुकी है, आज ही रिलीज हुई है. एंड मैं ऑफिस से जस्ट आके फटाफट से मैंने मॉम को बोला एंड मैं मॉम के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ इन माय नियरेस्ट थिएटर्स. गाइस ट्रस्ट मी, जो आपने ट्रेलर देखा है ना कंतारा मूवी का, दिस ट्रेलर इज नॉट इवन 1% ऑफ द मूवी, क्योंकि मूवी में इतना कुछ है वो एक ट्रेलर में नहीं आ सकता था. सो इट्स अ फुल ऑफ रोलर कोस्टर राइड जिसमें एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, हर चीज है इसमें. एंड गाइस बाकी और चीजें मेरे को मूवी देखने के बाद पता लगेगी. सो गाइस फटाफट से चलते हैं, मैं अपनी मॉम को बुलाता हूँ, फटाफट से हम चलते हैं मूवी देखने. 7:30 का शो है, अभी 7 बज चुके हैं, मुझे पहुंचना है, थोड़ा दूर है. एंड फटाफट चलते हैं, उसके बाद मैं आपको अपने ऑनेस्ट रिव्यूज दूंगा अपने मॉम के साथ. सो गाइस स्टे ट्यून्ड, बाय बाय. तो गाइस ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है मूवी का एंड फटाफट से वी आर बुकिंग द टिकट्स नाउ. ये लो गाइस, मूवी अब बस स्टार्ट होने वाली है एंड पहुंच चुके हैं टाइम पे हम, और ये पहली बार है जब हम टाइम पे पहुंचे हैं पिछले 7 सालों में, है ना. बस अब मूवी देखते हैं, बहुत अच्छी मूवी होने वाली है ये. अच्छा, मजा आने वाला है काफी. Yes. इसीलिए एकदम रेडी चाहिए मस्ती के लिए. बस मम्मी का कोई रोल नहीं है इस मूवी में, ये आउटफिट देख के आपको लगे तो. करना करवा चौथ था, मैंने तैयार नहीं थी ढंग से, सोचा आज तैयार होकर थोड़ी सी मूवी वूवी देख लिया जाए. बहुत सही. So guys, अब मूवी देखने के बाद हमारे व्यूज शेयर करेंगे आपसे. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय. So how was the movie? I think it was, oh my god, I'm speechless to start with. Okay. I think the first 15 minutes and I think the last 15 minutes. Climax. Very climax. I think very 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 gripping. And actually it had all the crux of I think all the Tulu land and all the coastal Karnataka the got accent, together. And I think I'm still speechless. I think bravo to the whole team and especially Rishabh Shetty. I think fantabulous acting, fantabulous I think score and I think everything. And what about the BGM, the visuals and the BGM, the background music? Yes, I think background music also, I would say. I think it was just so nice because I think it kind of switched between the folklores, the folk songs, and then when you know there was this one sequence where you know they were I think the actor was taking the joint and you know the fighting, and I think that point in time it was all the trance music which they played. Exactly. I think that level, I think it was in different levels, next so, level. Yeah, I think so, it was so good. How many stars you will give out of five? So cheers. So hi. Hello. So how was the movie Kantara? Basically I like the concept. Okay. And especially the performance, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कम होता है कि किसी मूवी को आप देखने जा रहे हो और उसमें आर्ट परफॉर्मेंस है. एंड इट वॉज मोर लाइक साउथ इंडियन आर्ट बिकॉज ऑफकोर्स मूवी इज फ्रॉम साउथ इंडिया, सो आई लाइक दैट. बट बीच बीच में क्योंकि आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक वायलेंस, तो उसमें थोड़ा खून खराब है, मुझे देख के थोड़ा अजीब लगा. बट देन द कॉन्सेप्ट वॉज रिलेटेड टू दैट, सो आई लाइक द मूवी. ओके. एंड हाउ मेनी स्टार्स यू विल गिव आउट ऑफ 5? Out of 5, I'll give at least 4. Okay. Because I like it. Okay. So, will you recommend this movie to others? Yes, definitely. People should watch it. Thank you so much. Thanks.
So guys, finally, we have witnessed the masterpiece of Indian cinema. Like, what a movie it was, yaar. Mom, kaise lagi movie? Just wow. मतलब क्या मोमेंट्स थे, मतलब क्या मूवी थी, मतलब कुर्सी चिपक के बैठ गए थे बिल्कुल. Yes. और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग ही लेकर आया. मतलब हमको पता नहीं था कि नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है, बिल्कुल सस्पेंसिव मूवी. अच्छा, आप जज नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है. तो मतलब उसमें मतलब क्यूरियोसिटी बनी रहती है इनसे कि अगर हम इसके बाद क्या होगा. Yes. इसके बाद क्या होगा, ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है. And basically this movie is based on the culture of Karnataka, coastal Karnataka. Yes, coastal Karnataka से जो तुलुनाडु people है वहाँ के, उनकी उन पर based है ये movie. Cultural, उनका cultural पूरा दिखाया गया है कि कैसे उनका culture होता है, कैसे culture होता है, क्या tradition होता है उनका. और हमसे ये चीजें हम तब तक हमको नहीं पता चलेंगी जब तक हम उसको देख लें. Yes. क्योंकि हमारी दुनिया कुछ अलग ही हमारी अलग होती है. तो फिर हमारी दुनिया में ऐसे भी चीजें होती है. Yes. ये हमको इसमें पहली बार पता लगा. एंड क्या एक्टिंग, मतलब क्रियू, हैट्स ऑफ टू द क्रियू, ऑल द क्रियू, मतलब किस तरह से उन्होंने एक्टिंग करी है. एंड मेनली ऋषभ शेट्टी द डायरेक्टर एंड द एक्टर एज वेल, मतलब जिस तरह से उनकी एक्टिंग, मतलब जो लास्ट में गाइज आपका पैसा वसूल हो जाएगा अगर आपने क्लाइमैक्स देख लिया इसका. तो मतलब ये क्लाइमैक्स सीन तो बहुत ही गजब का था. मतलब लास्ट में तो क्या एक्टिंग, लास्ट के 15 मिनट जो थे वो बहुत ही खतरनाक. बीच बीच में बहुत ज्यादा स्केरी भी हो रहा था. और जो इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक था, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा लगा. स्पेशली जो एक सीन आता है गाइज, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, पर एक सीन आता है जिसमें वो है ना कष्ट लेके फाइट होती है वो बीच में, है ना. सो गाइज बेसिकली जो स्टोरी होती है वो एक गांव वालों के बीच में और एक पुलिस ऑफिसर की टीम के बीच में और एक विलन के बीच में होती है. मतलब ये तीन कैरेक्टर्स होते हैं और तीनों के बीच में वो एक ही लड़ाई होती है कि वो जमीन जायदाद की लड़ाई होती है. वो लड़ाई होती है और उनके उनके बीच में होते हैं उनके भगवान, उनके भगवान जो कि गांव वालों को बहुत ही विश्वास होता है उनपे. जो बड़ा अवतार जो होता था ना विष्णु का, वो पूजे जाते हैं. एंड गाइज आई नो कि ये अगर हम कन्नड़ा लैंग्वेज में देखते हैं तो वो ज़्यादा हम कनेक्ट कर पाते, बट हमको हिंदी में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसको. एंड क्योंकि जो कन्नड़ा में मम्मी जो ओरिजिनल लैंग्वेज में ये मूवी बनी है उसमें जो एक्सेंट है, तुलुनाडु एक्सेंट है, वो उससे ना लोग कनेक्ट करते हैं. मतलब क्योंकि बेसिकली वो ओरिजिनल लैंग्वेज है तो वो डब में, डब में वो फील नहीं आती है. आई नो दैट, बट गाइज हमको समझने के लिए देखना पड़ती है. हाँ, अगर हमको, अब मैं सही में मैं विश कर रहा था काश मुझे कन्नड़ा आती तो मैं उनके भाषा को और अच्छे से फील कर पाता, उनके डायलॉग्स को और अच्छे से फील कर पाता. एंड भाई मैं ऋषभ शेट्टी दिमाग से ही नहीं जा रहे. और जिस, मतलब अगर आपने ये मूवी देख ली ना तो भाई रात को आपके विजुअल्स वगैरह घूमते रहेंगे दिमाग में, छप गई ये मूवी दिमाग में, छप गई सीन, मतलब पूरा छपा हुआ है दिमाग. यस, आप हटा ही नहीं पाओगे उसके. सो गाइस टू बी ऑनेस्ट यार, वी हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ मास्टरपीस, दिस काइंड ऑफ कंटेंट इन आवर बॉलीवुड. मतलब जब बॉलीवुड, हम तो बचपन से बॉलीवुड देखते आए हैं, पर अभी जिस तरह से साउथ मूवीज का ट्रेंड चला है, एक तरह जैसे कनाडा मूवी, कनाडा सिनेमा में एक के बाद एक हिट मूवीज निकल रही है, जैसे KGF आई, फिर 777 चाली आई, फिर ये मूवी आई. मतलब क्या छक्के पे छक्के मार रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल मूवी धमाल चल रहा है कनाडा, मूवी धमाल चल रहा है. एंड वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब कनाडा राज कर रहा होगा इस इंडियन सिनेमा में. सो गाइज बहुत ही मजा आया मूवी देख के. एंड गाइज मस्ट वॉच मूवी है यार ये, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई इस तरह से भी, इस तरह का भी चीज हो सकती है, क्रिएटिविटी भी हो सकती है. हाँ हाँ हाँ. और मतलब यार क्या, मतलब मैं जब ये मूवी देख रहे थे हम तो ऐसा लग रहा था कि हम उसी गांव के हैं. मतलब उन्होंने बारिश हमारे पास में ही हो रही है, रियलिस्टिक इतना जुड़ गए उससे कि हमको लगा कि हम उसी जंगल में घूम रहे हैं. और रियलिस्टिक से भी रियल दिखाया हमको कि भाई ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा होता है और हम वहीं पे ही, और हम भी इमोशनल हो रहे हैं, हमको भी ऐसा लग रहा है कि यार गांव वालों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है. कुछ नहीं है इस मूवी में, मिक्सिंग कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल दिखाया गया है कि जैसे जैसे वहां के लोग करते हैं इस तरह से. सो गाइस वन थिंग इज फॉर श्योर यार, whenever you are going to watch this movie, you will remember this climax, its climax for the decades. मतलब क्या, मतलब आप भूलोगे नहीं climax, जिस तरह से वो fight लड़ी है. मैं आपको spoiler नहीं दूंगा. और भाई ऋषभ शेट्टी भाई साहब, hats off, take a bow. And हम चाहते हैं कि ऋषभ शेट्टी, मतलब हमको पता नहीं था कि ऋषभ शेट्टी इतने ज़्यादा खतरनाक एक्टर हैं और इतने ज़्यादा मतलब पैशनेट एक्टर हैं. मतलब उनकी एक्टिंग, ऐसी एक्टिंग नहीं देखी हमने कहीं भी, ट्रस्ट मी नहीं देखी. सो गाइस दिस इज इट फॉर नाउ, इट्स अ मस्ट वॉच मूवी एंड विल गिव 5 out of 5 स्टार्स टू दिस मूवी. कितना देना चाहोगे, 5 ही? मैं 5 ही दूंगा. लॉक कर दो, 5 लॉक कर दो. कंप्यूटर जी 5 स्टार लॉक कर दीजिए. भाई साहब जीत चुके हैं 5 रुपए. सो गाइस हम मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय, टेक केयर, लव यू. एंड प्लीज यार डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर रिएक्शन लाइक दिस. बाय बाय.